हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर पर आधारित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं दिखाया तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक दिया हुआ है मैंने, वहाँ से आप देख सकते हैं। या जब ये वीडियो ख़त्म होने वाली होगी तो उससे पहले 20 सेकंड पहले हम उस पर लिंक आएगा वीडियो पे, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए, उसमें 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये यहाँ से 26वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 26वां नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम ENIAC था, तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। 27वां नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे महान क्रांति आई थी 1960 ईस्वी में, तो इसका आंसर नंबर जो है डी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? मतलब दोस्तों, अगर कंप्यूटर को आपको हिंदी में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है, तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। और जब ये कंप्यूटर का प्रश्न ख़त्म हो जाएंगे, मतलब 150 से 200 प्रश्नों का मैं कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न बनाऊँगा, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं साइंस की वीडियो स्टार्ट करूँगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, CPU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल जो है वो सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बैडू सर्च इंजन है, और वॉलफॉर्म अल्फा जो है सर्च इंजन नहीं है, तो इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 MB में 1024 KB होते हैं, तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, 1 GB मतलब 1 GB में कितने बाइट होते हैं, कितने के बराबर होता है? तो 1 GB में 1024 MB होते हैं, मेगाबाइट होते हैं, तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का विस्तृत रूप क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो इसका भी आंसर नंबर जो है डी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा लोगो होती है, तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग कब होती है? जब एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं, तो इसका नंबर आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, तो बी नंबर आंसर सही हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो CD-ROM जो है वो ऑप्टिकल मेमोरी होती है, तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो कंट्रोल होता है एक यूनिट होता है, एक मेमोरी यूनिट होती है, और तीसरा अर्थमेटिक या लॉजिकल यूनिट होता है, तो इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्ट्रान जो है वो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, पद MB का प्रयोग किया जाता है, तो MB का प्रयोग जो किया जाता है मेगा बाइट्स में किया जाता है, तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग होती है? तो कोबोल जो उपयोग की जाती है व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग की जाती है, तो इसका आंसर नंबर
ए सही हो जाएगा। और दोस्तों आप हमें लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, एक पेन ड्राइव है, तो एक पेन ड्राइव क्या है, तो एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक है, तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है, तो प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा फोर्ट्रान है, जो वैज्ञानिक द्वारा यूज किया जाता है, तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा के जैसे सबसे ऊंचा है उसी तरह कंप्यूटर में सबसे उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, तो वो कोबोल है, तो आंसर नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, किसी भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, तो वो कोबोल में संभव है, तो इसका आंसर नंबर इसका भी बी सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है, कौन सी भाषा होती है, तो वो मशीनी भाषा होती है, तो आंसर नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अमेरिकन भाषा गुप्त भाषा नहीं। 47 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है। 48 नंबर क्वेश्चन, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, तो अधिकतर कंप्यूटर जो है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश को समझ सकता है, तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, IBM द्वारा, एप्पल द्वारा, विप्रो द्वारा या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, तो इसका जो निर्माण किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्राम भाषा का उपयोग किया जाता है, तो फोर्टान का किया जाता है, तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे टोटल 50 क्वेश्चन, 25 इससे पहले वाले वीडियो में और ये 25 ये इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।